हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर या फिर इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था लूप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के लूप होते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। सबसे पहला पॉइंट, जो जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे, फॉर लूप के अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक की जाती है और डू व्हाइल लूप में कंडीशन लिखी जाती है जब लूप से हम बाहर निकल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉर लूप है दैट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप, उसको कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। कहने का मतलब ये, जब कंडीशन अंदर जाते समय चेक होगा, मतलब एंटर करते समय चेक होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। और डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है जब हम लूप से बाहर निकलते हैं। बाहर को क्या कहते हैं, एग्जिट, तो इट इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट के ऊपर। फॉर लूप जो होता है एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉर लूप का सेकेंड पॉइंट इज इट विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। अब आते हैं हम डू व्हाइल लूप के अंदर। डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है बाद में, पहले कंट्रोल लूप के अंदर जाता है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडीशन कहां चेक होती है, लूप से बाहर निकलते समय, बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप, लूप के एंड में कंडीशन चेक होती है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आएंगे हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा ये इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। अब है थर्ड पॉइंट, हम डिफरेंस है किसके बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो ये मैंने दोनों साइड एग्जाम्पल लिख दिया, तो कोड लिखा मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, कोड फॉर लूप का कोड लिख दिया और राइट साइड में डू व्हाइल लूप का कोड लिख दिया। अब ध्यान देना, जो फॉर लूप है अगर हम ये कोड लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा इसको समझते हैं, और अगर डू व्हाइल लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसको समझते हैं। पहले आते हैं फॉर लूप के अंदर, लिखा हुआ है int i और उसके बाद फोर के बाद लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन i ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेमीकॉलन i प्लस प्लस, और अंदर उसके अंदर प्रिंट करा हुआ है गैप्स क्लासेस। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या है i कितना है हमारा 1, तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे, i इज इक्वल टू 1 हुआ। उसके बाद आएगा कंडीशन पे, कंडीशन क्या, i ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या i जो है, i कितना है हमारा 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये, लूप के अंदर जो चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहां आएगी, लूप खत्म होने के बाद, तो उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो गया, तो इसमें आउटपुट आएगा नो आउटपुट, मतलब कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आते हैं हम डू व्हाइल के अंदर, डू व्हाइल में क्या लिखा हुआ, पहले int i इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक वेरिएबल बन गया i, उसकी वैल्यू है 1, उसके नीचे लिखा हुआ है डू और डू के बाद करली ब्रैकेट, इसका मतलब कि हम लूप के अंदर घुस जाएंगे, सीधा लूप के अंदर आ गए, प्रिंट क्या करना है, गैप्स क्लासेस, तो लिख दिया प्रिंट, आउटपुट में लिख दिया गैप्स क्लासेस। उसके बाद i को 1 से इंक्रीज करना है, तो i कितना हो गया, पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, i हो गया हमारा 2। अब आते हैं while के ऊपर कंडीशन लिखी है i ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तब तक लूप चलेगा, बट हमारा i इस समय कितना है 2, 2 ग्रेटर देन 5 नहीं होता तो लूप खत्म हो गया, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो दोबारा डू के ऊपर जाता और फिर लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता, तो ये लूप से बाहर आ गया, आउटपुट क्या आया, एक बार हमारा गैप्स क्लासेस। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर ये देखा कि पहले कंट्रोल फॉर के अंदर हमने देखा कि लूप के अंदर तभी कंट्रोल जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी,
और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जो डू वाइल लूप के अंदर है पहले ही कंट्रोल लूप के अंदर चला जाएगा, जो भी लूप के अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से लूप चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा। इन शॉर्ट सिंपल कहने का मतलब यह है कि फॉर लूप एक बार भी नहीं चलेगा और डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बट फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख लो इसको, इन दोनों के अंदर डिफरेंस।